नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट रन में बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लेकर आए हैं डिफरेंस इक्वेशंस का चैप्टर जो न्यूमेरिकल एनालिसिस से बिलोंग्स करता है। यह चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि इस बार 2020 के लिए तो ये समझिए एक लॉन्ग आंसर में तो आना ही आना, ये क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर की बाई पार्ट में। तो जो इस वीडियो के माध्यम से आप जो है इस चैप्टर को कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, तो इसमें क्या है, ये वीडियो मैं काफ़ी बड़ा बनाऊंगा, 1 घंटे प्लस वीडियो का बनाऊंगा। इसमें आपको सभी लगभग क्वेश्चंस कराऊंगा। यदि वीडियो बीच में फॉल्ट या दिक्कत नहीं आती है तो मैं इसी वीडियो में सब कुछ आपको दे दूंगा, आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। यदि फॉल्ट हो जाता है वीडियो, क्योंकि एक्चुअली मोबाइल क्या है, मेरा जो मोबाइल है वो 1 घंटे से जैसे ही ज़्यादा वीडियो बड़ी बनती है वो ऑटोमेटिक कट हो जाती है वीडियो। तो खैर कोई बात नहीं, यदि कट हो जाती है तो उसको हम पार्ट 1 पार्ट 2 में दोनों वीडियो को देखेंगे, और पार्ट 1 पार्ट 2 के माध्यम से जो है आप कंप्लीट चैप्टर आपका जो है यहाँ पर हो जाएगा ट्रायल मेथड वाला। फिर आता है स्पेशल ऑपरेटर के मेथड से रिलेटेड, तो वो एग्जाम्स में कम आते हैं उस पर आधारित न्यूमेरिकल, वो अभी हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी। और फिर आता है जनरेटिंग फंक्शन के माध्यम से किसी होमोजेनियस इक्वेशंस का सॉल्यूशन करना, तो वो जो है हम नेक्स्ट आने वाले वीडियोज में इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो पहले हम जो है इसके बारे में जानते हैं क्या है और इसकी क्या इसकी केसेस रहती हैं, कॉन्सेप्ट पहले कहने का मतलब है समझते हैं। तो देखते हैं कॉन्सेप्ट आपका क्या है। पहला तो सबसे मेन हेडिंग रहती है आपकी द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशंस ऑफ ऑर्डर एन, यानी कि आपकी एक होमोजेनियस डिफरेंस इक्वेशंस क्या होती है, पहले तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो मैं अभी यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से करते हैं उसको देखते हैं। तो देखेंगे हम, तो द एंथ ऑर्डर, द एंथ ऑर्डर आपने पढ़ी है, ये बीएससी सेकेंड ईयर में भी इसको आपने पढ़ लिया है, होमोजेनियस इक्वेशंस को, इक्वेशन इज गिवन बाई आपके लिए क्या होती है, देखिए सिंपली देखिए वाई सफिक्स में लिखते जाते हैं जो कि ऑर्डर को डिनोटेड की करता है किसी भी इक्वेशंस के लिए। तो वाई एच प्लस एन, एन ऑर्डर है तो एन के लिए, ठीक है, प्लस बी वन, ये कोई कांस्टेंट है आपका, ठीक है, एच प्लस एन एक इससे कम हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगला, तो अगला कांस्टेंट ले लिया हमने बी टू, वाई एच प्लस का एन माइनस टू, इस प्रकार से जो है आप इसको लिखेंगे। और अंत में एक केस ऐसा आएगा कि यहाँ पर जो एन का मान इक्वल हो जाए, यानी वाई एच बचेगा और यहाँ पर बन जाएगा आपका बी एन, और यहाँ पर वाई एच इक्वल टू जीरो, वेयर जहाँ पर कह दीजिएगा बी एच डज नॉट इक्वल टू जीरो, बी एन सॉरी बी एन डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। तो ये जो इक्वेशंस होती है, इसी इक्वेशंस को आप कहेंगे कि यह इक्वेशंस होमोजीनियस इक्वेशन है, तो इसको हम इक्वेशन जो है फर्स्ट कह देते हैं, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन करना है, तो जिस प्रकार से आपने बीएससी सेकेंड ईयर में किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस का आपने सॉल्यूशन में सीएफ निकाला था, तो वहाँ पर आप रखते थे वाई डी बराबर एम, यहाँ पर d की जगह पे क्या है y सफिक्स में h है, तो यहाँ पर रखना है आपको y सफिक्स h इक्वल टू m की पावर h। तो ये है बस इतना डिफरेंस है, तरीका आपका वैसा ही है। तो यहाँ पर आप रखेंगे यहाँ से, ठीक है, अच्छे से, तो यहाँ पर देखेंगे हम नाउ, यहाँ पर सॉल्यूशन फॉर लिख देंगे आगे, फॉर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग कर देते हैं हम यहाँ पर, पुटिंग
वाई एच इक्वल टू एम की पावर एच ऐसा रख देते हैं, देन तो हमें क्या मिल जाएगी, ऑक्जिलरीज इक्वेशन मिल जाएगी। ऑक्जिलरीज इक्वेशंस मिल जाएगी तो हमें यहाँ पर रखेंगे तो क्या मिलेगा, हमें एम एम की पावर एच रखना है तो एच, लेकिन यहाँ पर एन है तो यानी कि प्लस एन, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें रखेंगे तो बी वन एम एच प्लस का एन माइनस वन, इस प्रकार से आप रखते जाएंगे तो आपको ये क्या मिल जाएगी, इक्वेशंस मिल जाएगी। इसी प्रकार से एम एच प्लस का एन माइनस का टू, और फिर डॉट डॉट आप रखते जाएंगे एंड सो ऑन, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आपका ओनली कांस्टेंट ही रहेगा और इसकी जगह पे आपका सीधा एम की पावर जो है एच आ जाएगा, ठीक है। इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, जीरो। अब यहाँ पर देख रहे हैं एम की पावर एच जो है क्या है, कॉमन है इस इक्वेशंस में, तो आप एम की पावर एच को कॉमन कर लीजिए तो आपका मिल जाएगा यहाँ से एम की पावर एन प्लस बी वन एम की पावर एन माइनस वन प्लस बी टू एम एन माइनस टू प्लस डॉट डॉट एंड सो ऑन, या फिर एन जनरल, इस प्रकार से आपका बन जाएगा। इतना आप कर लेंगे, इतना तो आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से। आप क्या करना, देखिए अब आपने यदि पहले से ही एम इक्वल टू जीरो ले लेंगे तो अब जो वाई जो है वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिकली सॉल्यूशन देगा, यानी एक ही सॉल्यूशन निकालना है निकलेगा, जबकि आपको चाहिए एन टाइम्स यानी कि इन जनरल चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं कि एम का जो मान है, एम की पावर एच का मान डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। जब ये डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए नहीं है, तब किसको जीरो होना पड़ेगा, इस टर्म को, तो इस टर्म को आप जीरो के बराबर कर दीजिए, है ना। इस टर्म को आप क्या कर देंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे, तो यहाँ से आपका बन जाएगा एन माइनस टू प्लस बी एन इक्वल टू जीरो। अब आपके पास जो इक्वेशन टू आई है, तो अब आप जो है, अभी तो इन जनरल है, इन जनरल तो आप रूट्स निकाल नहीं सकते हैं। अब आप जो क्या है, इसमें जो भी रूट्स आपके निकलेंगे वो डिपेंड करता है कि जो रूट्स निकलेंगे इस इक्वेशंस के वो कैसे हैं, इक्वल हैं या डिफरेंट हैं या इमेजिनरी हैं। तो ये आपके चार केसेस बनेंगे, नहीं बनेंगे, पहला कौन सा केस बनेगा कि ये सभी रूट्स कैसे हैं, इक्वल नहीं यानी डिफरेंट है लेकिन रियल हैं, या फिर दूसरा केस बनेगा कि आपकी ये रियल तो हैं और साथ ही वो क्या हैं, इक्वल हैं, दो केस हो गए। फिर तीसरा बनेगा कि ये इमेजिनरी हैं लेकिन डिफरेंट हैं, थर्ड हो गया। और आपका चौथा लास्ट केस बनेगा कि ये इमेजिनरी तो हैं साथ ही कैसे हैं, इक्वल भी हैं। तो इन चारों केसेस को हम जो है आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हम जो है रखते हैं इसका सॉल्यूशन, देखते हैं यहाँ से, तो हम कहते हैं द इक्वेशन कौन सा, दूसरी इक्वेशन से हमने ली है, इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑक्जिलरी इक्वेशन, ऑक्जिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी जी, ऑक्जिलरी इक्वेशन, या इसी को आप देख रहे हैं ये कैरेक्टर स्टैटिक इक्वेशंस भी कह सकते हैं, क्योंकि इससे होमोजेनियस इक्वेशंस के ये गुणों को प्रदर्शित करती है। तो इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं ऑफ द डिफरेंस इक्वेशन फर्स्ट। इतना आप समझ गए होंगे क्या है, खाली हम पहले कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे फिर इसका सॉल्यूशन हम करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये आप इतना तो आप समझ गए होंगे, तो आप क्या कह सकते हैं यहाँ से केसेस बना सकते हैं। तो पहले आप लिख सकते हैं, हम कह देंगे कि लेट माना एम वन एम टू एम थ्री डॉट डॉट एंड सो एन एम एन क्या है जी, बी एंथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए एंथ ऑर्डर की, तो एंथ रूट तो उसके आएंगे ही, तो हमने कह दिए कि ये एम वन एम टू क्या है आपकी, ये रूट्स निकल आए इस इक्वेशंस के लिए। तो अब यहाँ से आप कह सकते हैं सिंपली
देखिएगा तो अब जी, अब इसकी प्रकृति पर डिपेंड करता है, तो हम कह देंगे केस फर्स्ट बनाते हैं यहाँ पर, केस फर्स्ट बनाते हैं, हमारे पास बनेंगे क्या, कैसा, पहली हेडिंग हम डाल देते हैं रूट्स आर रियल होंगे एंड साथ ही वो कैसे होंगे, डिस्टिनिक्ट होंगे, यानी कि समान नहीं है, ठीक है, डिस्टिनिक्ट, ठीक है, डिस्टिनिक्ट इतना हो जाएगा। तो इसके लिए आप लिखेंगे यहाँ से थोड़ी सी वो है, वेन वेन जब द एंथ रूट्स ऑफ दी ऑक्जिलरीज इक्वेशन आर कैसे हो, रियल हो, ठीक है, एंड अनइक्वल हो, कैसे हो, अनइक्वल हो, देन देन तब जनरल सॉल्यूशन ऑफ दी डिफरेंस डिफरेंस इक्वेशन फर्स्ट। तो आप इसके लिए आपको क्या बनेगा, इसका सॉल्यूशन देखिएगा, ध्यान रखिएगा वाई एच, ठीक है, तो क्या बनेगा कॉन्स्टेंट के टर्म में, यानी सी वन और फिर एम वन पे पावर एच, इसी प्रकार से सी टू एम टू पे पावर एच, इस प्रकार से जो है आपके क्या बन जाएगा, ये सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है, इतना जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, पावर एच, ये जो है आपका फर्स्ट केसेस में क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए यहाँ से, फॉर एग्जाम्पल के लिए एक सिंपल सा, सपोज आपका किसी इक्वेशंस, ये ई इक्वेशंस को सॉल्व करने पर एम का मान आ गया 2 और 3, तब इसके लिए सॉल्यूशन आपका क्या बन जाएगा, वाई एच सी वन यहाँ पर रख देंगे 2 की पावर h प्लस सी टू 3 की पावर h, तो इस प्रकार से जो है आप यूज करेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है, हो गया आपका पहला केस। अब देख लेते हैं हम केस कौन सा, सेकंड केस, सेकंड में लिखेंगे कि सम ऑफ दी रूट्स रूट्स आर रियल तो हैं आपके एंड कैसे हैं वो, इक्वल हैं, कैसे हैं इक्वल, तो हम कह देंगे कि हमने कह दिया कि सपोज लेट कर लेंगे यहाँ से, लेट दी रूट्स एम वन ऑफ दी ऑक्जिलरीज इक्वेशन वी कैसे हो रहा है, रिपीटेड हो रहा है, रिपीटेड के टाइम्स, ठीक है, के टाइम्स अर्थात कह सकते हैं एम वन बराबर एम टू बराबर डॉट डॉट एन जनरल एम की, यानी जी इक्वल हैं, जब इक्वल हैं देन तब हम कह देंगे जनरल सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एज कैसा हो जाएगा, वाई एच बराबर यहाँ पर आपका जनरल सॉल्यूशन बन जाएगा, रिपीटेड के टाइम्स तक है, तो यहाँ से अब आपके कह सकते हैं सी वन प्लस सी टू एच प्लस सी थ्री एच स्क्वायर डॉट डॉट इन जनरल, यहाँ से के टाइम्स तक है, तो देख रहे हैं यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ कम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से सी के टाइम्स तक माना है, तो सी के कितना हो जाएगा एच, और यहाँ से के माइनस वन और सबके बाहर जो आ जाता है एम वन की पावर एच, तो ये जो है आपका जब आपके रूट्स क्या हो रहे हो, रिपीटेड हो रहे हैं तब के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए, सपोज आपने किसी इक्वेशंस को सॉल्व किया तो एम के मान आ गए 1, 1 और 2 आ गया, यानी कि 2 रूट्स कैसे हो गए आपके, रिपीटेड हो रहे, तब इसका सॉल्यूशन आपका क्या निकल आएगा, यहाँ से मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बता रहा हूँ, सी वन प्लस सी टू 2 रूट के लिए तो 2 पद, यानी एच और बाहर आपका एम वन एच, एम वन की वैल्यू कितनी है 1 की पावर h, और ये तो आपका अलग है, तो इसके लिए आप वैसा अलग से ले लेंगे C3 कितना 2 की पावर h, तो ये है इस प्रकार से जो है आप CF के लिए ये निकालेंगे इस कंडीशंस के लिए, ठीक है। अब देख लेते हैं केस नंबर थर्ड देखिए आप यहाँ से,
केस नंबर थर्ड। अब आपकी यदि इमेजिनरी रूट्स हो, यानी कि हम लिख देंगे सम ऑफ द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स, यानी कि इमेजिनरी है, ठीक है। जब ये कंडीशन हो रहा है देन तब हम कह सकते हैं यहाँ से, जब इमेजिनरी हो देन तब सॉल्यूशन, इमेजिनरी आप जानते हैं किस फॉर्म में है वो, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सिंपली इफ द रूट्स एम वन एंड एम टू ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन आर कैसे हैं कॉम्प्लेक्स, कैसे हैं कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होने चाहिए, ठीक है, कंजुगेट्स, ठीक है, देन तब, ठीक है, देन तब इसके लिए देखिए, तब आपके लिए सॉल्यूशन जो निकलता है, दो तरीका से आप यूज कर सकते हैं सॉल्यूशन, कैसे कैसे देखिए, पहला तो आप ऐसा लिख सकते हैं सी वन रो की पावर एच कॉज एच एच थीटा प्लस का सी टू, ठीक है, एक तो अपना ये यूज कर सकते हैं, या फिर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं वाई एच, और फिर आपका यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं सी वन सॉरी रो की पावर एच से, यहाँ से आपका बन जाएगा सी वन कोज एच थीटा प्लस का सी टू साइन एच थीटा, यानी कि आपको जो सुइटेबल लगे आप उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा इस केसेस के लिए। तो जब आपके इमेजिनरी रूट से निकलेंगे तो आपको रो निकालना पड़ेगा और थीटा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अभी हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आगे कराने वाले हैं, तो वहाँ से जो है आप समझ जाएंगे रो और थीटा कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर तो जानते हैं, आप जानते हैं केस थर्ड, केस सॉरी केस कितना फोर्थ। अब यदि आपके कैसे हो सम रूट्स कैसे हो इक्वल हो, तो आपके चारों केस जो है वो निकल आएंगे, ठीक है। सम रूट्स आर रिपीटेड कैसे हो रहे हो, रिपीटेड कॉम्प्लेक्स हो, रिपीटेड कॉम्प्लेक्स, यदि तो हम कह देंगे कि हमारे पास m1 बराबर m2 है, तो हमने कह दिया यहाँ से इफ यदि m1 बराबर m2 रूट्स हैं, हमारे दोनों रूट्स कैसे हैं इक्वल हैं, देन तब हम कह सकते हैं, अब जी इमेजिनरी है और इसका मतलब क्या है, रो कोज थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा, ये है, ठीक है, समझिएगा अच्छे से, देन तब सॉल्यूशन आपका निकलता है वाई एच रो की पावर एच, यहाँ से सी वन प्लस सी टू एच, वैसे ही यहाँ से क्या हो जाएगा कोज एच थीटा प्लस सी थ्री, फिर आपका सी फोर एच साइन एच थीटा। तो ये जो है आपके इस प्रकार से क्या होती हैं, चार फॉर्म होती हैं। अब इन जैसे ही आप अभी हम क्वेश्चंस कराएंगे तो आपके ये चारों जो हैं उन्हीं में लग जाएंगे, ठीक है। तो पहला हम जो है आप सी एफ निकालना जान गए हैं, जनरल सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशंस के लिए। अब जानते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल फैक्टर निकालने के लिए, तो हम क्या कर रहे हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए देखते हैं पी एस। नाउ अब यह क्या है, आप दूसरा आर्टिकल पढ़ते हैं यहाँ से पार्टिकुलर पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द कंप्लीट कंप्लीट डिफरेंस कंप्लीट डिफरेंस इक्वेशन, कंप्लीट डिफरेंस इक्वेशंस का पार्टिकुलर कैसे निकालते हैं पी एस सॉल्यूशन। तो इसके लिए आपको करना क्या होता है, आपको पहले तो इक्वेशंस आपको लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो हमने लिख दिए सपोज, यहां से सपोज द डिफरेंस इक्वेशंस, द डिफरेंस डिफरेंस इक्वेशन, तो हमारे पास है वाई एच प्लस का टू प्लस का बी वन, वाई एच प्लस का वन, और आगे भी ज़्यादा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तीन पावर में या इन जनरल भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम कहना ये चाहते हैं अभी आपने होमोजेनियस जो इक्वेशंस पढ़ी है
यहाँ पर आप इन जनरल भी लिख देंगे, चाहे लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब जीरो हो जाती है तो वो होमोजेनियस का फैक्टर कहलाता है ना, और ये जो आपका राइट हैंड साइड में होता है, इसे ही, इसका जो सॉल्यूशन निकालते हैं उसे ही बोलते हैं हम पार्टिकुलर सॉल्यूशन। इसके निकालने की हमारे पास कई टेक्निक्स होती हैं, जिसमें से हमारा एक जो है सबसे सिंपल और सरल मेथड होता है ट्रायल मेथड, यानी हम ट्रायल फंक्शन का निर्माण करेंगे, और यदि हमारा वो ट्रायल मेथड के अनुसार वो सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशंस को, तो हमारा जो है सॉल्यूशन तुरंत निकल आता है PI। देखेंगे कैसे, इसके लिए दो मेथड हम स्पेशली हैं बुक्स में, तो हमारे पास एक मेथड तो है हमारे पास ट्रायल मेथड, कौन सा ट्रायल मेथड, एक ट्रायल मेथड है, और एक है आपका स्पेशल स्पेशल ऑपरेटर मेथड, ठीक है, मेथड्स। तो आपके पास ये दो मेथड जो हैं पढ़ने के सिलेबस में रहेंगे। तो एक और है जनरेटिंग, तो वो तो पूरी इक्वेशंस का सॉल्यूशन करने के लिए होता है, जिस वजह से है उसको हम नेक्स्ट वीडियो आने वाले में करेंगे, ठीक है। अभी बात चलिए PI की, PI के लिए दो ही स्पेशल ज़्यादा रहते हैं, ट्रायल मेथड और स्पेशल ऑपरेटर मेथड। तो इसको जो है हम इसका डिस्कशन जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन हम जो है अभी जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है हम ट्रायल मेथड से लगाएंगे, क्योंकि ये ट्रायल मेथड एक ऐसा मेथड है जिससे हम लगभग इस मेथड के सवाल भी इससे लगा सकते हैं। तो देखेंगे हम पहले ट्रायल मेथड, तो पहले इसके लिए आपको ट्रायल मेथड किस प्रकार से सपोज करना, पहले उसकी कंडीशन आप जान लीजिए, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पर एक टेबल की तरह देख लीजिए कैसे, देखिए ये जी आपका हो गया RH, क्या हो गया जी RH, और ये आपका हो गया यहाँ से ट्रायल सॉल्यूशन के लिए ट्रायल फंक्शन, ट्रायल सॉल्यूशन कह सकते हैं यहाँ से, ठीक है, ट्रायल सॉल्यूशन। तो इसके लिए देखिए, पहला आपका केस बनेगा कि बी की पावर एच हो, जहाँ पर बी कांस्टेंट, जिसका मान 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, बी की पावर एच यदि इस फॉर्म का बन रहा है, तब जो आपको फंक्शन मानना है वी की पावर एच। लेकिन ये अभी एग्जैक्ट नहीं कह सकते हैं कि यही आपका जो है करेक्ट होगा, वो डिपेंड करेगा सी एफ पर। यदि आप जो सी एफ निकालते हैं ना, जो सी एफ इससे सी एफ निकालेंगे, जो सॉल्यूशन निकालते हैं होमोजीनियस का, उस पर डिपेंड करता है इस, तभी उसी के अनुसार मानते हैं हम। ये जो है आपका वी एच है, तो यानी कि उसका कहने का मतलब ये है कि आपको ये जो है इसके साथ में एक कॉन्स्टेंट लेना ही लेना है, बाकी जो है लेना है तो वो तो चलेगा, लेकिन इसको तो लेना ही लेना है, ठीक है। तो ये है, अभी क्वेश्चंस करेंगे अभी हम, तो इससे आपको सब क्लियर हो जाएगा, वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा तब देखिएगा कैसे। और जैसे आपके पास कभी कभी आपका आ जाए साइन के रूप में फंक्शन, यानी साइन बी एच अथवा आ जाए कॉस बी एच, तब दोनों के लिए जो है आपको फंक्शन जो है उसी प्रकार का मानना है, कैसे, ए साइन बी एच प्लस का बी कॉस बी एच, ठीक है। तो ये जो है आपका इस प्रकार से, और एक होता है पॉलिनोमियल के रूप में, आपका जितने डिग्री का पॉलिनोमियल है उसी के अनुसार आप मानिएगा, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, तो वो क्या होता है पॉलिनोमियल के, इसके लिए आपको मानना है a0 + a1 एच प्लस का a2 h² प्लस डॉट डॉट इस प्रकार से nth डिग्री तक, ठीक है, प्लस a n h की पावर n, इस प्रकार से आपको मानना है, ठीक है। अगला देखेंगे, अब अगला, जैसे आपके पास कभी कभी ऐसा भी होता है कि पॉलिनोमियल भी आ जाए और ये ऐसा टर्म भी आ जाए, यानी कि आपका बन जाए ah ऑफ p की p ऑफ h, पॉलिनोमियल भी आ जाए, और ये इसके इस केसेस में आपको करना क्या होता है, ए एच तो है ही, और जो पॉलिनोमियल की शर्त होती है उसको भी आप जो है a0 + a1 + h + a2 h² + डॉट डॉट इस प्रकार से आपको लेना है एच एन। लेकिन ये लेना कब है, मैंने क्या बताया, जब आप जैसा आपका उसी के अनुसार लेना है, जैसा आपका सॉल्यूशन निकलता है होमोजीनियस इक्वेशंस का, अभी सॉल्यूशन करेंगे तब आपको पता चलेगा इनके बारे में ज़्यादा बेटर। तो देखिएगा आगे,
अब ऐसा हो सकता है कि ये जो फंक्शन है इनके मल्टीप्लाई में आ जाए, तो ऐसा कह सकते हैं यानी कि ए एच साइन बी एच अथवा आ जाए ए एच कॉस बी एच, है ना। तब इस केसेस में भी हम वैसे ही मानते हैं ए एच ऐसा, और बाद में जो जो आया वो इसके मल्टीपल में, यानी कि ए साइन बी एच प्लस का बी कॉस बी एच। तो अपने पास ये जो है चार केसेस है, इसी से सवाल जो है हम लगभग सभी सवाल लगा देंगे इसी से, देखेंगे किस प्रकार से। पहला क्वेश्चन लेते हैं जो आपके लिए शॉर्ट आंसर टाइप का कभी कभी आ जाता है, तो पहले हम लेते हैं बहुत ही सरल क्वेश्चंस। बट उससे पहले क्या है, आपको एक नोट लिखना है। नोट क्या है उसको पहले आप लिख लीजिए, तब आपको ज़्यादा बेटर अच्छे से समझ में आएगा। यदि आपके पास इस फॉर्म की क्या हो, इक्वेशंस हो, यानी सॉल्यूशन ऑफ दी इक्वेशन, यदि आपके पास इस फॉर्म में इक्वेशन बन रही है, तो इसका सॉल्यूशन जो है आप ध्यान रखिए, क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप इस डिफरेंशियल जो इक्वेशन से आपकी डिफरेंस इक्वेशंस उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चंस आ जाता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है, तो पहले आपको कंपेयरिंग करानी है, तो ए और सी की वैल्यू प्राप्त कर लेंगे और फिर जो है आपका सॉल्यूशन उसकी जगह पर रख देंगे। तो इस एक डिफरेंस इक्वेशंस का सॉल्यूशन जो होता है वाई एच इक्वल टू, सॉल्यूशन लिख लेंगे आप ए एच वाई जीरो प्लस सी वन माइनस ए एच और डिवाइड में वन माइनस का ए, ठीक है। तो आपके पास ये सॉल्यूशन होता है इस डिफरेंस इक्वेशंस के लिए। तो यानी कि जब भी आपका यदि देखिए इसकी डिग्री, यदि आपको ऑर्डर पूछा जाए कितना ऑर्डर है, तो ऑर्डर निकालना भी आप सीख लीजिए। देखिए इसमें से जो आपका हाईएस्ट हो, यानी कि आपका हाईएस्ट क्या है एच प्लस वन, और जो सबसे लोएस्ट हो उसमें लोएस्ट सबसे क्या है एच है, तो यानी एच तो आ गया वन, यानी कि वन ऑर्डर का जी डिफरेंस इक्वेशंस है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा यदि वन ऑर्डर की इस फॉर्म का कहीं भी आपको इक्वेशन दिखाई दे, तो इस मेथड से लगाइएगा, बहुत ही सिंपल रहता है। तो आपका जी आ गया। मैं वैसे भी इसका सॉल्यूशन भी दो तरीक़े से बताते चलूँ जाऊँगा इसी वीडियो में, देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर जो है। अब देखते हैं फर्स्ट, पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, चलो हम निकाल लेते हैं पहला क्वेश्चन जो कभी कभी आ जाता है। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है चैप्टर का ये है, तो ये क्वेश्चन भी एक दो बार आया हुआ क्वेश्चन है, देखिएगा। सो डैट हमें सिद्ध करना है कि ये जो सॉल्यूशन है वो इसका सॉल्यूशन है, यानी कि ये जो इक्वेशन है वो इस डिफरेंस इक्वेशंस का क्या है सॉल्यूशन है। तो इसके लिए आप जानते हैं कि आपने ऐसा पढ़ा होगा कि ये रूट्स जो है इस इक्वेशंस का रूट्स है, तो आप क्या करते थे उसको संतुष्ट करा देते थे, है ना। वैसा ही केसेस यहाँ पर भी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके जो मान है वाई एच प्लस वन भी निकाल लीजिए और इस इक्वेशंस में रख दीजिए। यदि संतुष्ट करता है तो है, नहीं करता तो नहीं है सॉल्यूशन। तो इसको इक्वेशन आप क्या कह देंगे, फर्स्ट कह देंगे, सिंस चूंकि आपके पास प्राप्त है बी है, आपको पता है कि वाई एच बराबर क्या है 1/2 एच एच माइनस वन। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा वाई एच प्लस का वन, तो h प्लस का वन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, h की जगह पे क्या रख देंगे h प्लस वन रख देंगे, और यहाँ पर h प्लस वन रखेंगे तो आ जाएगा h। ये सभी मान उठा करके किस में रख देंगे, फर्स्ट में रख देंगे। तो हम क्या कह देंगे, पुटिंग पुटिंग दी वैल्यू ऑफ वाई एच एंड वाई एच प्लस वन इन दी डिफरेंस इक्वेशन डिफरेंस इक्वेशन ऑफ एल एच एस। तो हम एल एच एस के इस पक्ष में रख देंगे, यदि एच के बराबर आता है तो आपकी डिफरेंस इक्वेशंस है, नहीं तो नहीं है सॉल्यूशन। तो इसके लिए आप इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, 1/2 एच एच माइनस वन और फिर माइनस 1/2 एच प्लस वन इंटू एच, इसको सॉल्व कीजिए तो देखते हैं। देखिए 1/2 कॉमन है तो 1/2 कॉमन कर लीजिए, बाकी को मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो एच स्क्वायर माइनस का एच और फिर आ जाएगा आपका माइनस का एच स्क्वायर और माइनस का क्या अपना हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो क्रम से
वैल्यू जो है शायद उल्टी हो गई है, यहाँ पे वाई एच प्लस वन की रखनी थी तो ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा, है ना। वाई एच की वैल्यू ये है तो उल्टा हो गया है यहाँ से, तो ये आप देखिएगा माइनस का भी अंदर गुणा होगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का, और फिर देखेंगे तो ये प्लस का और ये जो आएगा ये जो प्लस का। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो देखिए एच स्क्वायर से कट जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा एच, देखिएगा आपका इक्वल आएगा तो देन तो हम कह देंगे दस। इस प्रकार दिस इक्वेशन रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, ये है। तो बस इस प्रकार से लिख देंगे तो हम कह सकते हैं यहाँ से दस इस प्रकार दिस इक्वेशन जो आपकी है, कौन सी इक्वेशन, वाई एच बराबर 1/2 एच एच माइनस वन इज ए सॉल्यूशन ऑफ दी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इस प्रकार से जो आप क्वेश्चंस लगा लेंगे बहुत सिंपल होता है, यदि इस प्रकार का क्वेश्चंस कभी भी आए बस संख्या बदल ले, खाली आपको कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना है, तो आप जो है बहुत ही सिंपल सवाल लगा लेंगे। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, तो देखिए हमारा ये रहा क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को समझेंगे अच्छे से। देखिए सॉल्व द डिफरेंस इक्वेशन, हमें इस इक्वेशन का क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। इनिशियल कंडीशन भी दे दी, ये कंडीशन जो काम आती है आपको जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको फाइंड करने में। तो पहले आप देखिए क्या जो हमने नोट में लिखवाया क्या उस जैसी फॉर्म बन रही है, देखिएगा वाई एच प्लस वन इक्वल टू टू वाई एच माइनस वन, लग रहा है कि बन रही है, तो हम क्या कर सकते हैं उस मेथड के अकॉर्डिंग हम जो है कंपेयरिंग करा करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको इक्वेशन आप जो है फर्स्ट कह दीजिए, तो सॉल्व हम करेंगे यहाँ से कंपेयरिंग कंपेयरिंग दी गिवेन इक्वेशन इक्वेशन विथ वाई एच प्लस वन इक्वल टू ए वाई एच प्लस का सी बी गेट, तो आपके पास मिल जाएगा ए का मान, देखिए कहाँ तुलना कराएंगे तो ए की जगह पर 2 लिखा है और सी की जगह पर क्या लिखा, माइनस का 1, तो बस मिल जाएगा आपको सॉल्यूशन, अतः सॉल्यूशन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो सॉल्यूशन आपको क्या मिलेगा यहाँ से, वाई एच बराबर, पहले तो आप फॉर्मूला लिख दीजिए, तो क्या फॉर्मूला होता है, वाई एच वाई जीरो प्लस का सी वन माइनस ए एच डिवाइड में वन माइनस का ए, वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए तो यहाँ से आ जाएगा वाई एच इक्वल टू एक टू की पावर एच, और यहाँ से आ जाएगा वाई जीरो प्लस का सी, क्या आ जाएगा सी की वैल्यू माइनस का वन और वन माइनस का टू की पावर एच, और फिर आ जाएगा आपका वन माइनस यहाँ से कितना टू इतना आ जाएगा, ठीक है। और इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए तो वाई एच इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ से कितना आ जाएगा, देखेंगे तो वाई जीरो की वैल्यू दी गई है 5, तो आपके आ जाएगी 5, ठीक है, टू टू एच, ठीक है। और फिर आ जाएगा देखिए माइनस वन माइनस प्लस वन, तो यानी प्लस माइनस टू की पावर एच, तो आपके पास ये बन गया। आप चाहें तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, ये 5 है और ये घट जाएगा तो कितना बचेगा, वाई एच बराबर आपका बचेगा 4 टू एच प्लस का 1, और वेयर जहाँ पर कह दीजिए एच बराबर 0 1 2 डॉट डॉट, है ना। तो इस प्रकार से ये हो आप सॉल्यूशन जो है लगा लेंगे आसानी से इस मेथड से। अभी हम इसी टाइप के क्वेश्चंस को जो है जो अभी हमने PI निकालना बताया उसके माध्यम से भी लगाएंगे, तो उसको भी अभी हम देखेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करेंगे। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, क्वेश्चंस लगाने में आपको मज़ा जरूर आएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, तो देखिए आपके पास ये रहा क्वेश्चंस नंबर 3। इस क्वेश्चंस को देखेंगे वाई एच प्लस वन माइनस टू वाई एच इक्वल टू 5, चाहे तो इसको साइड लेकर के कंपेयरिंग करा के आप उस मेथड से लगा सकते हैं जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 से तो आप लगा लेंगे, आपको पता चल गया कि कंपेयरिंग कराइए ए और सी के मान निकालिए उस फॉर्मूले में रख दीजिए, आपका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। लेकिन अब हम बता रहे हैं इसको जो आपका कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ से, देखिए पहले आपको होमोजीनियस इक्वेशंस फाइंड करनी, यानी सी एफ,
इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इक्वेशन निकाल लीजिए, ठीक है। पहला स्टेप ये है आपका, करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इक्वेशन इज कितनी है, तो यहाँ से ये पद लिया जाता, बाकी जीरो के बराबर हो जाता है, यानी जीरो कर देते हैं, माइनस का 2yH इक्वल टू जीरो, ये हो गया आपका। इसको इक्वेशन आप फर्स्ट कह दीजिए, इसको सेकंड कह दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से अब आप क्या कराएंगे, यहाँ इतना करने के पश्चात ये आपके बन गया ये, तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे, यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करेंगे, यानी पुटिंग कर देंगे, पुटिंग कर देंगे वाई एच, क्या कर देंगे वाई एच इक्वल टू यहाँ से एम की पावर एच, सॉरी के बन गया एच, यहाँ पर सब्सिट्यूट कीजिए कीजिए, एंड आपको मिल जाएगा यहाँ से ऑक्सिलरी इक्वेशन इज कितनी मिल जाएगी, यहाँ से एम और एच जीरो के बराबर चला जाएगा, तो एम माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो एम की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ से +2, तो ये आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सेकंड, तो क्या हो जाएगा इज देखिए कैसे मैजिक कैसा रूट से रियल है लेकिन और सिंगल है, यानी कि अपने आप में वो अकेला ही है, तो इस प्रकार से आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वाई एच बराबर क्या हो जाएगा, वाई एच बराबर आप क्या मैंने बताया था C1 और फिर क्या एम की पावर एच, यानी कि 2 की पावर h, ये जो हो गया आपका निकल आया सॉल्यूशन इस इक्वेशंस के, लेकिन अभी आपको प्लस इसके बराबर हो चाहिए, यानी अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, टू फाइंड दी पार्टिकुलर सॉल्यूशन सॉल्यूशन अब हम क्या कर देंगे, पुट लेट कर लेंगे, लेट ट्रायल फंक्शन, पहले हम जो है ट्रायल फंक्शन मानते हैं, देखिए अब यहाँ पर समझिए अच्छे से, आपको ट्रायल फंक्शन यदि मानना आ गया, समझ लो आपके सभी क्वेश्चन जो है आपको सरल लगेंगे। देखिए यहाँ पर ये कैसा है, कांस्टेंट है टर्म, कैसा है ये कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के लिए आप पहले ट्रायल करेंगे ए मान करके, तो हमने क्या किया, ट्रायल करते हैं पहले वाई एच स्टार इक्वल टू कैपिटल ए, क्योंकि इसमें एच तो है नहीं है, तो आपका जो पॉलिनोमियल है कांस्टेंट में, तो कांस्टेंट में मानिए, अब ये वैल्यू जो है आप इस इक्वेशन फर्स्ट में सब्सिट्यूट कीजिए, यदि सेटिस्फाई करता है तब तो आपका ये माना हुआ सही है, यदि संतुष्ट नहीं करता तो ये माना हुआ आपका ये गलत है, तो इसके लिए अब आप क्या करेंगे, पुटिंग कह देंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई एच स्टार इक्वल टू 1 इन फर्स्ट में, तो इस प्रकार से आप रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट है तो यही रहेगा, और यहाँ पर 2a इक्वल टू 5, देखिएगा आगे यहाँ से आएगा -a बराबर 5, देखिए ये डिपेंड करता है आपका ए विभिन्न वैल्यूज पर, 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से, और ये आपका एक फिक्स पॉइंट है यानी 5 है, तो यानी कि जरूरी नहीं है कि ये इक्वल हो, तो इस प्रकार से ये कैसा है, पॉसिबल ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं यहाँ से कह देंगे हम, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल, देन अब हम फिर से मानेंगे, अगेन अगेन लेट, अब हम क्या करेंगे इसको अगेन मानते हैं, ठीक है अगेन मानते हैं, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, फिर से मानेंगे, अब देखिए ये कांस्टेंट नहीं है, अब ये कांस्टेंट नहीं है तो अब हम क्या मानेंगे, अगला पद अगला स्टेप क्या बनता था पॉलिनोमियल में, तो आपको पता है, तो वाई एच स्टार बराबर क्या बनता है, ए ए जीरो प्लस का क्या बनता है a1 और फिर इंटू एच, तो ये वैल्यू आप सब्सिट्यूट कीजिए उसी इक्वेशन से, फिर देखिए तो यहाँ पर हम जो है सब्सिट्यूट करेंगे तो आ जाएगा हमारा, इसमें सब्सिट्यूट कीजिए तो y किसमें, तो यहाँ से निकाल भी सकते हैं h+1 का स्टार, तो यहाँ से आ जाएगा a0 + a1 h+1,
ये सभी वैल्यू रख देंगे आप फ्रॉम फर्स्ट से ले लीजिए, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुनः रखेंगे तो आपका आ जाएगा ए ज़ीरो ए वन और एच प्लस का वन, ठीक है, माइनस का टू और वाई एच का मान रखेंगे तो ए ज़ीरो प्लस का ए वन इंटू एच इक्वल टू फाइव। ये जो रहा करे उसी साइड लिखा रहने देख दिया करे, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें एच की गुणांक अलग कीजिए और कांस्टेंट टर्म अलग कीजिए, तो यहाँ से देखिएगा तो ए ज़ीरो आप कांस्टेंट निकालिए यहाँ से ए ज़ीरो और यहाँ मिलेगा कांस्टेंट आपको ए वन और फिर माइनस का टू ए ज़ीरो और तो मिलेगा नहीं, इतना ही मिलेगा है ना, प्लस एच। अब एच में आपको मिलेगा ए वन है ना, ए वन मिलेगा और यहाँ पर माइनस का टू ए वन बराबर में आपका फाइव, क्या मिलेगा इक्वल में फाइव। अब आपको क्या करना है यहाँ से कंपेयरिंग करा देनी है, क्या कराना है, अब आपको कंपेयरिंग करा देंगे, कंपेयरिंग दी कोफिशियंट ऑफ, अब यहाँ पर क्या है एच है और कॉन्स्टेंट टर्म है तो हम क्या कह रहे हैं कंपे ऑफ एच एंड कॉन्स्टेंट टर्म्स ऑन बोथ साइड। तो कंपेयरिंग कराते हैं, कंपेयरिंग कराएंगे तो आप कॉन्स्टेंट के टर्म में बराबर पाँच है लेकिन इसके बराबर क्या है, ये क्या है आपका, देखिए यहाँ से देखिए, ये आपका है माइनस का ए वन, यानी माइनस का ए वन की वैल्यू आपकी क्या आ गई जीरो, यानी ए वन बराबर आपका आ गया यहाँ से इक्वल टू जीरो। और आपके पास एक ये फंक्शन मिला ए ज़ीरो प्लस का ए वन माइनस का टू ए ज़ीरो इक्वल टू क्या है इसके बराबर में कॉन्स्टेंट टर्म फाइव है, एच का गुणांक यहाँ पर क्या था जीरो था। तो देखिए यहाँ से ये आपका ये तो जीरो है तो यहाँ से आपका क्या बना माइनस का ए वन, क्या बना माइनस का ए वन बराबर फाइव, यानी ए वन की वैल्यू सॉरी यहाँ से ए जीरो की वैल्यू आ गई आपकी माइनस का फाइव, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू जो है पुनः इसी में रख दीजिए तो हम कह सकते हैं अतः जो आपका वाई एच था ट्रायल सॉल्यूशन आपका क्या निकल के आ गया वाई एच स्टार बराबर माइनस का फाइव इंटू जीरो इंटू एच। तो दस इस प्रकार से आपका जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन कितना निकल आएगा वाई एच, दोनों पदों को जोड़ दीजिए सी वन टू एच और फिर माइनस का फाइव, तो ये जो है आपका सॉल्यूशन निकल आया। उसी से निकालते चाहे तो आप उस मेथड से अप्लाई कर सकते थे या फिर इससे, तो इसको आप अच्छे से समझ गए हैं ना, वैसा ही करना है आपको आने वाले क्वेश्चंस में भी। देखते हैं और क्वेश्चंस, अब आपके पास एक क्वेश्चंस और आ गया महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। हम पहले चल रहे हैं बेस पर, पहले सिंपल फिर उससे कठिन फिर ज़्यादा कठिन, ठीक है। देखिएगा इस क्वेश्चंस को वाई एच प्लस वन माइनस टू वाई एच बराबर एच प्लस वन, आपके पास ये क्वेश्चंस हैं तो इस क्वेश्चंस को देखेंगे। अब ये क्वेश्चंस नहीं लगेगा उस मेथड से जो आपको नोट में लिखाया था, जी कैसा लगेगा दूसरे, क्योंकि यहाँ पर एच आ गया, यदि यहाँ पर कॉन्स्टेंट होता एच ना होता तो लग जाता। अब आपको क्या करना पड़ेगा जनरल सॉल्यूशन ही निकालना पड़ेगा। अब आप जो है होमोजीनियस का पहले निकालेंगे तो इसको तुरंत आपको इक्वेशन फर्स्ट कह देनी है, तो यहाँ से निकालेंगे करेस्पोंडिंग होमोजीनियस इक्वेशन इज कितनी हो जाएगी वाई एच प्लस वन माइनस का टू वाई एच इक्वल टू जीरो। अब फिर वही है यहाँ पर क्या निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो इसके लिए क्या करना का पड़ेगा पुट कर देंगे क्या वाई एच बराबर एम की पावर एच, यहाँ पर सब्सिट्यूट करेंगे तो एम माइनस टू ये तो वही है इतना तो पद है ना जो अभी सॉल्व करके आए हैं, तो यहाँ पर जीरो तो एम इक्वल टू जीरो। देन तब आपका वाई एच कितना आ गया यहाँ से वाई एच निकल के आ गया सी वन टू की पावर एच इक्वेशन, इसे आप चाहें तो सेकंड कह दीजिए। अब आपको क्या करना है इसका पी आई निकालना है, तो पी आई निकालने के लिए हम क्या कह देंगे टू फाइंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर लगा दीजिए फॉर टू फाइंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लेट कर लेंगे लेट ट्रायल
ट्रायल फंक्शन। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए h प्लस वन, यहाँ पर देखिए कांस्टेंट तो मान नहीं सकते, यानी कि यदि a माने ओनली, जैसे आप y h स्टार बराबर a माने, तो ये तो यहाँ मान नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर जो h गायब हो जाएगा तो h तो आएगा ही आएगा। तो यानी कि हम पहला जो है पॉलिनोमियल क्या मान सकते हैं, ए जीरो ए वन प्लस एच, पहला कंडीशन जो है आपकी यही बन सकती है, यही बनने की संभावना। तो जी हम क्या करेंगे इसमें रखेंगे, तो हम देखते हैं फ्रॉम फर्स्ट से, तो रखेंगे यहाँ से तो आपका क्या मिलेगा, ए जीरो प्लस का ए वन एच प्लस वन, ठीक है, माइनस टू ए जीरो प्लस का ए वन एच इक्वल टू एच प्लस वन, इतना आ जाएगा। इसको जरा सॉल्व कीजिए, तो पहले एच के कोफिशिएंट निकाल लीजिए, तो यहाँ से आपका क्या मिला माइनस का ए वन, यहाँ से देखिएगा माइनस का ए वन ही तो मिला आपका, यहाँ से देखिए अच्छे से है ना, माइनस का ए वन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर आएगा ए ए वन और यहाँ पर आएगा माइनस का टू ए वन, तो ये एक कट जाएगा इतना बचेगा, और फिर बाकी आएंगे आपके कांस्टेंट, तो कांस्टेंट लिख लीजिए यहाँ से ए जीरो, और यहाँ ये कांस्टेंट आएगा ए वन, और कहीं आएगा जी आएगा माइनस का टू ए जीरो, अब तो है नहीं है तो इतना बराबर में एच प्लस का वन। अब हम क्या करेंगे कंपेयरिंग करा देंगे किसकी, कोफिशियंट की, तो अब तो आप समझ गए होंगे कोफिशियंट जो जो रहा करें उन्हीं की कराना है, एच है तो एच की और कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म, तो कंपेयरिंग कराएंगे तो आपके पास एच के गुणांक की तुलना क्या है इसके गुणांक में क्या है वन, तो यानी ए वन की वैल्यू आ गई आपकी माइनस की वन, क्योंकि यहाँ माइनस है, ठीक है। एंड इसी प्रकार से आपके पास ये इक्वेशंस है, तो यहाँ से ए वन माइनस का टू कितना सॉरी ए जीरो, ए जीरो यहाँ पर देखिए कांस्टेंट क्या है वन, ए वन की आपकी वैल्यू आई माइनस वन और माइनस का ए जीरो बराबर वन, तो यहाँ से आपका ए जीरो की वैल्यू आ जाएगी सिंपली जो साइड जाएगा तो बराबर आ जाएगी माइनस का टू। ये दोनों वैल्यू जो है आप वहाँ पर सब्सिट्यूट कर दीजिए जो आपने फंक्शन माना था, देन तब आपका आ जाएगा ताहा वाई एच क्या आ जाएगा स्टार बराबर आ जाएगा माइनस का दो और फिर आ जाएगा माइनस का एच, है ना, तो बहुत ही सिंपल रहता है। तो बस ये जो है आप दस इस प्रकार कह सकते हैं, दस इस प्रकार जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज कितना हो जाएगा वाई एच बराबर, दोनों को जोड़ दीजिए, पहला आपका सॉल्यूशन निकला था सी वन टू की पावर एच और फिर आया माइनस टू माइनस एच, ठीक है, ये जो आपका है सॉल्यूशन हो गया, है ना। इतना तो आप सिंपल वाले समझ गए होंगे, आप थोड़ा और थोड़ा हम बड़ा क्वेश्चंस करने के लिए चलते हैं, ठीक है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, वाई एच प्लस टू माइनस टू एच वन प्लस टू वाई एच इक्वल टू जीरो। जी सिंपल है, इसमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं इसलिए ये करा रहा हूँ क्योंकि इसमें रूट जो है वो इमेजिनरी आएंगे, इमेजिनरी का भी आपको एक क्वेश्चन में करा देता हूँ, तो देखिएगा इसको। तो हम पहले क्या निकालेंगे होमोजीनियस इक्वेशन, तो जी ऑलरेडी है तो पुटिंग कर देंगे हम, पुटिंग वाई एच बराबर एम यहाँ पर एच इन, इसको फर्स्ट कह दीजिए इन फर्स्ट में, देन तब आप कह देंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन इज कितनी बन जाएगी आपकी, यहाँ से बन जाएगी एम स्क्वायर माइनस का टू एम प्लस का टू इक्वल टू जीरो। सॉल्यूशन कीजिए इसमें श्री धराचार्य जी का फॉर्मूला लगाइए, तो टू प्लस माइनस का अंडर रूट फोर माइनस का एट डिवाइड में टू इंटू ए यानी वन, और इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो वन प्लस माइनस का आई, है ना, अपने पास ये आ गया। तो इसको तुरंत आपको किसके बराबर कह देना है, रो यहाँ से कॉस थीटा प्लस माइनस का आई साइन थीटा, बस तुरंत इसकी एक कैटिंग करा देनी है रियल एंड इमेजिनरी पार्ट से, एक कैटिंग टू द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, लिख देंगे, बहुत सिंपल इंग्लिश रहती है इमेजिनरी की, लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आपकी कंपेयरिंग कराएंगे तो रो कॉस थीटा बराबर आ जाएगा आपका वन, एंड रो साइन थीटा बराबर आ जाएगा
इसके गुणांक में भी वन। तो यहाँ से वर्ग कर देंगे दोनों पक्षों को और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, रो स्क्वायर बराबर आ जाएगा वन, और फिर आपका रो की वैल्यू आ गई आपके पास वन। एंड यदि दोनों का भाग दे देंगे तो बनेगा आपका टेन थीटा, टेन थीटा बराबर बनेगा वन, और इसको सॉल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू आपकी आ जाएगी पाई बाई फोर। ये वैल्यू आप जो है पुनः इस यहाँ पर सब्सिट्यूट कर देंगे तो अतः कह सकते हैं कि एम की वैल्यू आपकी आ गई रो की पावर वन, यानी कि वन इंटू कॉज पाई बाई फोर प्लस माइनस आई साइन पाई बाई फोर। तो अपने पास ये जो है इतना निकल के आ गया है, ठीक है, ये जो है सिंपल आप निकाल लिया आपने। अब आपको करना क्या है, इसको भी आप अच्छे से समझेंगे, है ना, देखेंगे इसका सॉल्यूशन। मैंने क्या बताया था, दस इस प्रकार हम कह सकते हैं, दस इस प्रकार सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन मैंने क्या बताया था, वाई एच बराबर जो आपका रो सी वन और रो की पावर एच कॉज एच थीटा प्लस बी, ये बताया था एक, अथवा में दूसरा भी बताया था मैंने, तो वो भी अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वाई एच बराबर सी वन और फिर रो की पावर वन यानी वन की पावर एच, और यहाँ पर कॉज यहाँ पर हो जाएगा पाई बाई फोर इंटू एच प्लस का बी। तो यही आपका क्या हो गया सॉल्यूशन, इसका वन की पावर एच का मान वन हो जाएगा। तो ये जो है आपका क्या निकल के आ गया, सॉल्यूशन निकल के आ गया। सॉरी यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई, आप ध्यान देंगे क्या, देखिएगा रो कॉस थीटा और रो साइन थीटा इसका वर्ग करके जोड़ेंगे तो यहाँ रो स्क्वायर इसका वर्ग प्लस वन तो यहाँ पर बनेगा दो, और यहाँ पर रूट टू आएगा, नहीं आएगा क्या आएगा रूट टू, पहले हमने ध्यान नहीं दिया उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्या है हम थोड़ी जल्दी जल्दी के हो गया ऐसा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो है रूट टू आया है रो का मान, ठीक है, तो यहाँ से रूट टू लिखेंगे, ठीक है, तो ये है और बाकी सब जगह सही है अपना, ये जो आपका है सॉल्यूशन निकल के आ गया, ठीक है, तो ये है कर लेंगे आप, सरल है, इमेजिनरी हो तो आप निकाल लीजिएगा सीधे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, ये रहा हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसे आप वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन को क्या है, इसमें आपके जो है डाउट क्लियर होंगे काफ़ी। देखिए कैसे, सबसे पहले तो आपको सी एफ निकालना, तो आप निकाल लेंगे, हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका सॉल्यूशन, चलो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं इसके, देखिए बनेगा क्या बनेगा, ये होल स्क्वायर बनेगा, नहीं बनेगा, यहाँ से एम स्क्वायर माइनस का फोर एम प्लस का फोर यानी एम माइनस टू का होल स्क्वायर बनेगा। जब एम माइनस टू का होल स्क्वायर बनेगा तो जाहिर सी बात है इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से पहले हम चलो लगा देते हैं करेस्पोंडिंग होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ फर्स्ट, इसको फर्स्ट कह दीजिए, कितनी कितनी हो जाएगी, वाई एच प्लस टू माइनस का फोर वाई एच प्लस वन प्लस का फोर वाई एच, अपने पास ये बन गया इक्वल टू जीरो। इसमें पुटिंग कर देंगे हम, पुटिंग वाई एच सफिक्स में एच इक्वल टू एम एच, ठीक है, देन तब आपको मिल जाएगा यहाँ से एम स्क्वायर माइनस का फोर एम प्लस का फोर इक्वल टू जीरो, तो एम बराबर मिल गया टू टू। तो इस प्रकार से जी कैसे हैं बराबर रूट्स हैं, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अतः सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन सेकेंड, तो इसके लिए आपका क्या मिल जाएगा यहाँ से, वाई एच बराबर देखिएगा सी वन प्लस सी टू इंटू एच, और फिर आपका मिल जाएगा टू की पावर, यहाँ से देखिएगा टू की पावर एच, और देखिए टू की पावर एच यहाँ पर भी है थ्री एच जो, यानी कि ये सिंपल ऑर्डर पॉलिनोमियल में है, और ये जो है आपका टू की पावर एच। तो अब यहीं से आपका जो है आपका डिसाइड होगा पार्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए ट्रायल फंक्शन, तो यहीं से आप अच्छे से ध्यान से समझिएगा। अब हमें क्या करना है, टू फाइंड द पार्टिकुलर
सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, तो लेट कर लेंगे, लेट दी ट्रायल ट्रायल सॉल्यूशन बी कितना है। अब आपको डिसाइड करना है कितना लेना है। देखिएगा यहाँ पर, समझिए अच्छे से, पहले समझिए। आपके पास यदि ये 2VH, यानी कि यहाँ से आप मानेंगे सिंपली, तो देख रहे जी इसी के साथ जुड़ा हुआ है, तो यानी कि पहले देख रहे हैं 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। जब 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है तो जाहिर सी बात है आपका क्या होता है, यहाँ से 1 डिग्री का है तो आपको मानना चाहिए a0 प्लस का a1h और इसके मल्टीप्लाई में 2h, ये मानना चाहिए। लेकिन देखिए अब यदि आपको ये मानना होता तो यहाँ पर देखिए ये ऑलरेडी मैच नहीं कर जाएगा, इस वजह से जो है आपका ये ट्रायल सॉल्यूशन नहीं हुआ। यानी कि आपको इसको भी देखना है कि क्या इसके इक्वल जैसा तो नहीं लग रहा है ना, इस वजह से। अब ये हो गया आपका एक जे केस क्लियर हो गया कि ये क्यों नहीं माना, ठीक है। अब एक और आपका मान सकते हैं, आप कहें कि a0 इंटू 2 की पावर h, यानी कॉन्स्टेंट 2 की पावर h क्यों नहीं माना, तो इसके लिए भी देखिए इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ लाएंगे तो c1 2 की पावर h, इसलिए मैच कर जाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। और एक केस और रह गया आपका, क्या ah और 2 की पावर h इस फॉर्म में क्यों नहीं माना, तो इस फॉर्म में भी मैच करिएगा। तो इस वजह से जो है ये तीनों केसेस में जो है ट्रायल फंक्शन हम नहीं मान सकते। इतना आप समझ गए होंगे, बस इसको ज़रूर आपको देखना है, ठीक है। तो हम क्या मानेंगे यहाँ से ट्रायल सॉल्यूशन, देखिएगा। तो अब जब हमारे पास इस 1 ऑर्डर में भी नहीं आ रहा तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, यानी a1h प्लस का क्या बोलते हैं, ये बोल देंगे यहाँ से bh² और फिर आप जो है यहाँ से इसके मल्टीप्लाई में लगा देंगे क्या 2h। अब देखिए मैच कर रहा कि नहीं कर रहा, अब तो करेगा नहीं यहाँ से, है ना। तो ये है, इस प्रकार से लगाना है जी। आपका हो गया yh। अब बस ये वैल्यू आप वहाँ सब्सटीट्यूट कीजिए, आप सॉल्यूशन कर लीजिए, आसानी से लग जाएगा, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट कर देंगे सभी की वैल्यू इस इक्वेशंस में, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं जी, प्रोसेस वहीं पे हम रखते हैं, तो देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन से, फ्रॉम फर्स्ट से, तो देखेंगे हम यहाँ से ए जी, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, है ना। तो a1h प्लस का vh² 2h, तो यहाँ से हमें जो है थोड़ा इसमें ध्यान देंगे, हमें रखना है पहले क्या है हमारा yh² है, तो h की जगह पे +2, तो यहाँ पर +2 है, ठीक है। चलो इसको दोबारा से लिखते हैं हम, a0 प्लस a1h प्लस 2, ठीक है, प्लस bh प्लस 2 का स्क्वायर और फिर है आपका 2 कितना h प्लस का 2, ठीक है। अपना ये जो है पहला टर्म हो गया, माइनस का 4 और फिर यहाँ से आप जो देखेंगे तो सिंपली, तो हम इसकी भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पर, तो देखिएगा मिलाइएगा इसको, a0 प्लस का a1h प्लस का 1, ठीक है, प्लस bh प्लस 1 का स्क्वायर 2 की पावर h प्लस 1, ठीक है। तो अपना ये जो टर्म्स है वो भी निपट गया। अब देखते हैं अगला 4, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन हमें ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे वाई एच की, तो आपको पता ही है, तो a0 प्लस का a1h प्लस का bh² 2 पावर h, तो अपने पास ये हो गया इक्वल टू 3h प्लस का 2h। अब इसको आपको सॉल्व करना है और यहाँ से आपको a0 a1 और b की वैल्यू को पहचान करके रखनी है। तो इसके लिए अब आप हम क्या करेंगे देखिएगा सिंपली, अब आपको करना क्या है, a0 a1 इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से अच्छे समझेंगे, पहले हम इसको थोड़े खोल देते हैं, चलो एक बार इसको थोड़ा और स्टेप, एक हम नहीं तो हम डायरेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो इसको एक स्टेप और हम खोल रहे हैं, a0 प्लस का a1h प्लस का 2 प्लस का b, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो h² 4h प्लस का 4, ठीक है। और यहाँ पर है आपका, इसको थोड़ा ये वाला ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। तो ये जो है 2 की पावर h प्लस का 2, तो आपने ये खोल दिया, ठीक है।
ये हो गया। अब आपने ये आगे बढ़ाएंगे इसको थोड़ा, 4a0a1h+1+b h² + 1+2h, अपने पास ये इतना इसका खोल दिया आपने, 2h+1, ये हो गया अपना। इसी प्रकार से आप आगे 4a0+a1h+b h² = 2h, ठीक है, ये है। तो अब आपको क्या करना है, कंपेयरिंग करानी उसी के हिसाब से गुणांक बना करके। तो पहले देखिए 3h यानी कि h के पावर के गुणांक की तुलना, तो यहाँ पर देखिए 3h पहले ने कॉमन कीजिए और देखिए किस में h के पावर गुणांक की तुलना है। तो h देखिए पहले, इसमें सबसे पहले आप h देखिए, तो h यहाँ पर देखिए किस किस में आता है, तो h इसमें आया तो तुरंत रखते जाइए, यहाँ से खोजते जाइए और रखते जाइए जल्दी जल्दी से। यहाँ पर देखिए यहाँ से 4h यानी कि 4b, ठीक है, और फिर आगे अब तो मिलेगा नहीं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए माइनस, यहाँ पे माइनस का 4a1, माइनस का 4a1, ठीक है, आगे इसमें तो इसमें मिलेगा, तो यहाँ पर देखिए 2g हो गया, एक यहाँ से निकलेगा, तो यानी माइनस का 8b, ठीक है, और तो है नहीं इसमें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम बहुत आगे, देखते हैं, देखिए गुणांक की तुलना कराइए। लेकिन यहाँ पर देखिए ध्यान देंगे, यहाँ पर देखिए a0 पहले हम h की गुणांक की जिसमें केवल h हो उसी गुणांक की तुलना कराएंगे। तो यहाँ पर देखिए a1h आपका सही है, आगे देखेंगे यहाँ पर देखिए h तो है लेकिन साथ में 2 की पावर h का गुणा भी हो रहा है, इसलिए ये पद नहीं आएगा। इसी प्रकार से देखिएगा, इससे ये गलत होने की वजह से आपको भी अच्छे से कन्फर्म हो जाएगा, तो देखिएगा ये नहीं आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, तो इसमें तो h बनाया लेकिन इसमें 2 की पावर h नहीं है, तो आपका ये सही है। इसी प्रकार से आगे आपका ये नहीं है क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में 2 की पावर h+1 है ना, तो इतने पद नहीं आए। इसको हम नेक्स्ट पद में मतलब पेज पर लिखते हैं अच्छे से, देखिएगा कंपेयरिंग भी कराते चलते हैं हम आगे आगे। देखिएगा h बराबर देखेंगे यहाँ से a1, और इसमें आया आपका माइनस का 4a1, ठीक है, और फिर आपका इसमें आया आगे इसमें प्लस का 4a1, ये आपका हो गया। अब देखिएगा 2 की पावर h जिसमें है किसमें, अब देखिए 2 की पावर h के गुणांक की तुलना, तो देखिए इसमें तो 2 की पावर h है नहीं है, आगे है इसमें, इसमें नहीं है, इसमें देखिए 2 की पावर h, इसमें यदि देखिए इसमें होगा तो h² है ऑलरेडी, तो ये तो नहीं है, तो आपको कौन सा देखना है, इसमें भी नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगा 2 की पावर h। यदि इसमें 2 की पावर 2 बाहर निकालें तो यानी 4, और 4 ये ऑलरेडी है, तो यानी प्लस का कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16b, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे आपका मिलेगा इस टर्म्स में यानी कि आपका मिलेगा 2b, आगे क्या मिलेगा 2b, और फिर इसमें आप तुलना कराएंगे देखिएगा, तो आपका 2 की पावर h किस में है, यहाँ से 2 की पावर h जो है अब नहीं है यहाँ पर, है ना, तो और तो कुछ है नहीं है ना यहाँ पर, देखिएगा अच्छे से 2 की पावर h यहाँ पर मिला, ओनली हमें इसमें इस टर्म से मिला 2 की पावर h को हमने कॉमन किया, और ये 2 की पावर 1 का मतलब 2, और इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2b। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमने किया है, 2 यहाँ से निकला, 2 दूना 4, और यहाँ पर 4 बना, और 4 से गुणा होगा, 4 चौके 16, 16b, ठीक है, तो अपने पास ये जो है इतना आ गया। और देखिए अब आपके 2 तो मान निकल आए, अभी 1 मान हो चाहिए, तो इसके लिए अब आप क्या करें, कांस्टेंट टर्म को निकाल लीजिए, बाकी को डॉट डॉट का छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या मिलेगा, a0 a0+, यहाँ पर a0 और कांस्टेंट टर्म प्लस का a1 × 2, और कोई है यहाँ पर कांस्टेंट, अब तो है नहीं है, तो इतना ही मिला इस पद में, ठीक है। आगे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए माइनस का 4a0, ठीक है, और इसमें माइनस का 4a1, माइनस का 4a1, ठीक है, और आगे अब तो है नहीं है इसमें क्योंकि इसमें गुणा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है ये सब मैच है, तो इतना ये हो गया। अब आगे देखें, इसमें इसमें देखिए ये 4a0,
आगे 4a0 प्लस का कांस्टेंट टर्म अब है नहीं, इतना ही है बराबर। प्लस और भी कुछ पद होंगे लेकिन उसको आपने कर लीजिएगा, बाकी पद जो है लिख लीजिएगा यहाँ पर। बराबर में कितना हो जाएगा, बराबर में 3h प्लस का 2h। तो अब आप जो है कंपेयरिंग कराइएगा, कंपेयरिंग द कोफिशियंट ऑफ किस कौन कौन से एच एंड 2 की पावर एच, ठीक है। तो हम कराएंगे और भी एंड कांस्टेंट टर्म, कॉमा लगाइए यहाँ पर, एंड कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म की आप लगाएंगे तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा देखेंगे, तो कांस्टेंट एच की पहले कराइए तो जी आपका क्या है, यहाँ से देखिएगा a1 और बराबर में कितना है इसके 3, तो a1 की वैल्यू आपको आ गई 3। इसी प्रकार से इसमें 2 की पावर s से कराएंगे तो देखेंगे यहाँ से तो जी है 18 b और बराबर में 2 की पावर h का गुणांक 1 है, तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई आपकी 1/18। इसी प्रकार से आप जो है ये देखिए कितना बन रहा है, यहाँ से देखिए यहाँ से ये आपका बना, ये इससे ये निगलेक्ट हो गया तो आपका ये बना a0 माइनस का 2a, तो ये आपका बना a0 माइनस का 2a1 बराबर में कांस्टेंट टर्म क्या है 0। a1 की वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो आपकी a0 की वैल्यू मिल जाएगी आपको 6, क्या मिल जाएगी 6। ये सभी वैल्यू जो है आप पुनः उसी ट्रायल सॉल्यूशन में रख दीजिए, अतः आपका मिल जाएगा y h स्टार बराबर a0 प्लस का a1 h प्लस का b h² × 2h। इसमें आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो a0 की वैल्यू आपने निकाली 6 प्लस का a1 की वैल्यू आप कितनी निकाल के आए 3h और b की वैल्यू 1/18 h² × 2 की पावर h। ये जो है आप वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे उसी में, 10 इस प्रकार कह देंगे, 10 इस प्रकार जनरल सॉल्यूशन ऑफ किसका फर्स्ट एज कितना हो जाएगा, YH हो जाएगा कितना हमने निकाला था उसका C1 प्लस C2 H और बाहर आपका 2H और प्लस ये वाला टर्म्स यानी 6 प्लस का 3H प्लस का 1/18 h² × 2 की पावर h। ये जो है आपका क्या हो निकल के आगे सॉल्यूशन, ऐसा करते हैं। तो ये रहा आपका सत्य जो आपका क्वेश्चंस था ये वाला, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस और, ठीक है। तो हमारे पास ये रहा एक और क्वेश्चंस, इसको भी सॉल्व कीजिए आप, फिर जो है हम कल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैंने लगभग सभी क्वेश्चंस ले लिए हैं जो जो आपको हार्ड लग रहे होंगे, देखिएगा। तो हमने लिया इसका जनरल सॉल्यूशन देख लेते हैं, द करेस्पोंडिंग होमोजीनियस इक्वेशन कितनी मिल जाएगी आपको, YH+2 प्लस का YH=0, ठीक है। आपके पास ये मिल गई तो इसके संगत आपका क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखेंगे ऑक्जिलरी इक्वेशन हमने जब भी लिख देंगे तो समझ जाइएगा क्या मिल जाएगा, m² + 1=0, यहाँ से मिल गई वैल्यू m± i और तुरंत इसके बराबर ले लीजिएगा cos θ + −i sin θ। कंपेयरिंग करा दीजिए यहाँ से तो आपको √cos θ वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से क्या मिल जाएगी, √cos θ की रो की वैल्यू मिल जाएगी 0 एंड √sin θ = मिल जाएगी 1। इसको थोड़ा हम वर्क करके जोड़ देंगे तो हमारे पास √ मिल जाएगा 1 एंड जब इसमें हम भाग देंगे तो tan θ = ∞, तो θ = π/2। जिस वैल्यू जो है हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे देन तब अतः कह सकते हैं m = क्या मिल जाएगा, 1 × cos π/2 + −i sin π/2। अपने पास ये आपका क्या निकल आया, सिंपली
एम की वैल्यू निकल आए। 10 इस प्रकार कह सकते हैं, 10 इस प्रकार सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, इसको सेकंड, इसको फर्स्ट, ये तो आपको मानना है सब में, इक्वेशन सेकंड, तो क्या मिल जाएगा, वाई एच इक्वल टू कितना मिल जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो वाई एच बराबर आपको मिल जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो आप देख रहे हैं दोनों ही डिफरेंट रूट्स हैं आपकी, तो यहाँ से आपका सिंपली मिलेगा यहाँ से ए कॉज, कैसा हमने बनाए, अब चूंकि रो का मान 1 है तो यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है, पाई बाई 2 इंटू एच प्लस का बी, जी आपका इक्वेशन थर्ड हो गया, ठीक है। अब देखना है आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशन ट्रायल मेथड से ही, तो हम देखते हैं टू फाइंड दी पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, तो हम क्या कर लेंगे, लेट मान लेंगे द ट्रायल सॉल्यूशन बी क्या हो जाएगा, हमने मान लिया कि वाई एच, अब देखिए यहाँ पर देखा मैंने क्या बताया, साइन पाई एच बाई टू आ गया, यानी साइन का आ गया, तो इसमें मैंने क्या बताया था आपको, आपको मेथड शुरू में स्टार्टिंग में बताया, तो क्या मानते हैं, बराबर में ए साइन एच पाई बाई टू प्लस का बी कॉज पाई एच बाई टू, जी आपने यहाँ पर मान लिया। अब देखिए आप यहाँ से जानते हैं इसके जो मल्टीप्लाई में आप जानते हैं वन होता है, वन भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, नहीं होता है, तो पहले आप जो क्या मान के चल रहे हैं, कांस्टेंट, क्या मान के चल रहे हैं, कांस्टेंट इनटू ये, है ना, तो अब देखिए अब यदि ये भी सपोर्ट नहीं करेगा तो आपको फिर क्या मानना पड़ेगा, यहाँ से दूसरा अगला वाला यानी एच से गुणा कराना पड़ेगा, देखते हैं पहले ये करता है सपोर्ट या नहीं करता है, तो हम पहले ये सभी मान वहाँ पर रखेंगे, तो हमें क्या करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट से देखेंगे तो ए रखेंगे हम यहाँ पर साइन, ए साइन एच प्लस टू पाई बटे में 2 प्लस बी कॉज पाई और पाई एच प्लस का 2 डिवाइड में आ जाएगा आपका कितना, यहाँ से डिवाइड में 2 इतना आ जाएगा अपना, ठीक है। आगे नेक्स्ट पद रखेंगे, अब हम नेक्स्ट पद रखेंगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से सिंपली वाई एच का, वैसे तो इस क्वेश्चन में जो एच प्लस 1 और आगे करना चाहिए, लेकिन अब इसमें इतना ही दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो अगला रखेंगे तो ए साइन एच पाई बाई टू प्लस का वी कोज पाई एच बाई टू, फिर क्या हो जाएगा, बराबर में साइन पाई एच बाई टू, इसको सॉल्व कीजिए, देखते हैं ये क्या बना आपका, देखेंगे यहाँ पर तो ये ए इससे अलग अलग भाग देंगे तो यहाँ पर बनेगा आपका पाई, पाई प्लस एच बाई टू क्या होता है आप जानते हैं, माइनस का साइन एच बाई टू होता है, नहीं होता है, इतना हो जाएगा एच पाई बाई टू, ठीक है, प्लस इसको खोलिए यहाँ पर बनेगा, ये भी तीसरे में है तो आप जानते हैं बी कॉज, वो भी काय का माइनस का कॉज एच पाई बाई टू, और इसको भी खोलिए आप यहाँ से ए, यहाँ से क्या हो जाएगा ए, और फिर इसमें आप इसका तो खोला है ऑलरेडी ही, तो साइन एच पाई बाई टू प्लस का बी कॉज पाई एच बाई टू बराबर में साइन साइन एच पाई बाई टू, देखिए जे इससे कट गया, जे इससे कट गया, यानी कि जीरो बराबर क्या आ गया, साइन एच पाई बाई टू, तो यह तो पॉसिबल है नहीं है, तो हम कह सकते हैं यहाँ से दिस एज इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, जब ये पॉसिबल नहीं है तो इस केस में अब आप क्या करेंगे, नाउ अगेन मानेंगे, अगेन ट्रायल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन बी क्या मानेंगे, अब जो सॉल्यूशन लिया था उसमें एच से मल्टीप्लाई करा देंगे, जैसे आपने अभी हमें कॉन्स्टेंट के लिए बताया था ना वैसे ही, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, वाई एच स्टार, तो ए एच साइन एच पाई बाई टू प्लस का बी एच कॉज एच पाई बाई टू, थोड़ा हम स्पीड लेंगे क्योंकि जो
वीडियो 1 घंटे से प्लस हो गया, शायद कट हो सकता है बीच में, हो जाए तो आप, मैंने पहले ही रख दिया, अब आपको वहीं पे रखना है तो आप उसी में रखते हैं, तो फिर देखते हैं हम यहाँ से क्या मिलता है। तो रखेंगे तो अपना मिलेगा ए एच प्लस का 2, और इसके हमने एच प्लस 2 के लिए सॉल्व किया था तो क्या आया था जी, माइनस का साइन एच पाई बाई 2 आया था, है ना, एच पाई बाई 2 ये आया था। इसी प्रकार से अगला अगला देखते हैं, फिर अपना क्या था, बी एच प्लस 2, और फिर आपका जी आया था माइनस का कॉस एच पाई बाई 2। अगला अगला स्टेप देखते हैं, अगला स्टेप जी आपका हो गया, अब उसमें रखेंगे इस वाले टर्म में, तो इस वाले टर्म में रखते हैं तो आपका मिलेगा यहाँ से सिंपली कितना, ए एच साइन एच पाई बाई 2, और फिर बी एच कॉज एच पाई बाई 2 इक्वल टू साइन एच पाई बाई 2। ठीक है, अब देखिए एच वाले टर्म्स तो इससे कट जाएंगे लेकिन 2 वाले बच जाएंगे, तो यहाँ से अब आपका क्या हो जाएगा, 2a sin h पाई बाई 2, ठीक है, प्लस का cos h पाई बाई 2 इंटू 2b, वो भी का आएगा माइनस का, बराबर में साइन h पाई बाई 2। अब हम क्या करा देंगे, कंपेयरिंग करा देंगे, कंपेयरिंग दी कोफिशिएंट ऑफ किसके, अब हम करा देंगे साइन एच पाई बाई 2 एंड कॉस एच पाई बाई 2, तो यहाँ पर इसका क्या है, तो ए बराबर भी 0 मिल जाएगा, और सॉरी